अस्सलामु अलैकुम, आई एम अब्दुल समद और आप देख रहे हैं एक्सेल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक ऑफ रिले ऑपरेशन। आज के टॉपिक में हम रिले ऑपरेशन का प्रोसेस को कवर करेंगे। ये देखेंगे कि बेसिक जो रिले ऑपरेशन है, आपने कोई सिंगल लोड ड्राइव करना है तो आप किस तरीके से नॉर्मली ड्राइव कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर एक रिले को सिलेक्ट किया है। ये जो डिज़ाइन है सिंगल पोल डबल थ्रो रिले का है। इसमें आपको एक कॉइल है जिसके दो टर्मिनल्स हैं, जैसे कि यहाँ शो हो रहा है। इसके अलावा एक कॉमन है और दो थ्रो हैं, मींस कॉमन मींस पोल, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किया गया था। तो हम चलते हैं कि रिले को हमने सप्लाई किस तरह से देनी है। इसमें बेसिक यही टेक्निक है, बाकी थ्रो से तो आप लोड कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि हमारे जो रिले है कितने वोल्ट की है, उसकी मीन्स उसके कॉइल कितने वोल्ट के हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ हमारे पास दो रिलेज मौजूद हैं, एक है 6 वोल्ट DC और एक है 12 वोल्ट DC। शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन इसमें जो ब्लैक है, ब्लैक 12 वोल्ट DC है और ब्लू 6 वोल्ट DC है। हमने उसके रेस्पेक्ट से यहाँ ओरिजिनल सप्लाई को कनेक्ट करना है। आपके किसी भी सोर्स जो भी आप यूज़ करेंगे उसका पॉजिटिव आपके कॉइल के एक एंड से कनेक्ट हो जाएगा और कॉइल के सेकेंड जो दूसरा एंड है उसकी तरफ आप एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट करेंगे। यहाँ जैसा कि मेंशन किया हुआ है एनी एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आप इस सर्किट के मुताबिक अगर आप इसके रिस्पेक्ट से देखते हैं तो आपको एनपीएन ही कनेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ एनपीएन मैंने ग्राउंड में कनेक्ट किया हुआ है। एनपीएन मींस नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव स्विच, बेस जो है वो पॉजिटिव है। हम जैसे ही ट्रांजिस्टर की बेस पर पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट करेंगे विद कॉमन ग्राउंड, इस ग्राउंड से कॉमन होगी, तो ये ट्रांजिस्टर बायसिंग मोड में आ जाएगा और ये यहाँ से वोल्टेज पास कर देगा कॉइल की तरफ और कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। और जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होगी तो हमारी रिले स्विच कर जाएगी फ्रॉम नॉर्मली क्लोज टू नॉर्मली ओपन। नॉर्मली क्लोज मीन्स आपकी वो स्टेट जहाँ आपको कंडक्शन मिल रही हो जब रिले पर कोई सप्लाई कनेक्ट ना हो, उसको कहते हैं। ट्रांजिस्टर का कलेक्टर आपकी कॉइल से कनेक्ट होगा, इमीटर आपके ग्राउंड से कनेक्ट होगा और बेस पर आप एक अलग से सप्लाई देंगे ट्रिगर करने के लिए। ट्रांजिस्टर का ये ऑपरेशन किस तरह होता है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच वर्क कैसे करते हैं, इसकी टेक्निक क्या है, तो समझेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम आ जाते हैं रिले के लोड की तरफ। हमने यहाँ पे एसी लोड कनेक्ट किया हुआ है, आप चाहें तो डीसी भी कर सकते हैं। और डीसी हो एसी हो कोई भी, उसका एक टर्मिनल आप डायरेक्ट अपने लोड से कनेक्ट कर देंगे और दूसरे टर्मिनल को ले जाके सेकंड टर्मिनल को आप अपने कॉमन से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद अगर आपने रिले के ट्रिगर होने के बाद, रिले के एनर्जाइज होने के बाद अपने लोड को ड्राइव करना है तो आप अपने लोड का जो एंड एक टर्मिनल तो आप कनेक्ट हो गया है, सोर्स जो आपका रिमेनिंग टर्मिनल है उसको आप नॉर्मली ओपन से कनेक्ट कर देंगे। नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज को चेक कैसे किया जाता है वो हम इसकी डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वक्त आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि किसी भी मल्टीमीटर को बजर मोड पर रखकर उसकी एक नॉब कॉमन से कनेक्ट करेंगे और एक नॉब जो आपकी जो अगर सिंगल पोल डबल थ्रो से किसी भी एक थ्रो से कनेक्ट करेंगे जहाँ आपको कंटिन्यूटी मिल रही होगी वो आपका नॉर्मली क्लोज होगा, जहाँ नहीं मिल रही हो नॉर्मली ओपन होगा। जैसे कि ये एक रिले है, ये सेम ही रिले है सिंगल पोल डबल थ्रो, ये दोनों इसके थ्रो हैं, एक तरफ 2 पिन है एक तरफ 3 पिन है। जिस साइड पर आपको 3 पिन्स नज़र आ रही हैं इनमें जो सेंटर वाली है वो कॉमन है, बाकी दोनों कॉइल की पिन्स हैं।
यहाँ आप सप्लाई देंगे तो आपकी रिले एनर्जाइज होगी, ट्रिगर मोड में जाएगी। और जिस जो दो पिन अलग से नजर आई, इनमें से एक नॉर्मली क्लोज होगा और एक नॉर्मली ओपन होगा। इसमें एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जब आप रिले सिलेक्ट करेंगे, एक तो आपने उसका वोल्ट देख लेना है कितने वोल्ट डीसी की रिले है, तो उस रेस्पेक्ट से आपने सप्लाई का चूज़ करनी है जिस सप्लाई से आप रिले को एनर्जाइज करेंगे। इसके साथ साथ आपने उस रिले की डाटा शीट निकाल के उसमें होल्डिंग करंट देखना है। अगर आपकी रिले का वोल्टेज मैच कर जाए आपकी सप्लाई से, बट उसका होल्डिंग करंट ज़्यादा हो और आपकी सप्लाई उतना होल्डिंग करंट ना दे पा रही हो, तो अब क्या होगा कि आपकी रिले स्विच तो करेगी, ट्रिगर तो करेगी, बट सस्टेन नहीं कर पाएगी और जो है कनेक्ट डिस्कनेक्ट होती रहेगी। आज तक के लिए इतना ही। रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।